एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज़ हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज़ हो जाए तो कभी आले पड़ जाए, हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी ख़राब हो जाती थी। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई, जब धूप चाही तब धूप मिल गई, जब पानी चाहा तब पानी मिल गया। तेज धूप, आले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी ठिकाना ना रहा, क्योंकि ऐसे फसल तो आज तक कभी हुई ही नहीं थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे उगाते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने लगा, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। अरे एक क्या, गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु एक क्या हुआ। तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था, तुमने पौधों की संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उनको तापने दिया, ना आंधी आलों से सूजने दिया, उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास नहीं होने दिया, इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, आले गिरते हैं, तब पौधा अपने अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर नए बीज पैदा होती है। इसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियाँ ही है जो आदमी के अंदर ऊर्जा पैदा करती है, उसे जीने का, कुछ कर दिखाने का मकसद देती है, हर दिन एक नया काम देती है। सोचो अगर ये सब ना हो तो ज़िंदगी कैसी होगी। इसलिए चुनौतियों से डरो या भागो नहीं, बल्कि उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश करो। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, इसी तरह से इन चुनौतियों में खुद को तपाओ, फिर देखना आपका वो व्यक्तित्व सामने आ गया जिसे दुनिया सलाम करेगी और आप खुद उससे प्यार करोगे।